अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम टोक्यो जा रहे हैं। आज तो टोक्यो पे जा रहे हैं, तो जापान में हम जब बात करते हैं कि जापान इज़ अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री, यहाँ पे एफर्ट्स को कम किया गया है, मिनिमाइज किया गया। तो ये एक आपको मैं दिखाता हूँ कि अब हमने सामने स्टेशन है, अगर दिखा सकते हैं नवीद भाई, तो वो सामने एग्जिट है। हमने यहाँ से मिनामियोनो स्टेशन से जो है वो हमने आगे जाना है, और स्टेशन को कनेक्ट किया गया है। आप ये देखें, हमारे से 2 किलोमीटर के फासले पे अब ये साइकिल स्टैंड है। आप देखिए कितनी प्रमोशन हो रही है साइकिलिंग की, तभी तो ये लोग साइकिलिंग करते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखें जी, अब ये मैं 36 नंबर, मैंने नंबर नोट कर लिया है, और मैं जैसे ही यहाँ से आगे लेकर जाऊँगा तो ये उसको जो है वो लॉक कर देगा ऑटोमेटिकली, वो मेरा टायर वहाँ पर लॉक होगा। अब ये आप देखें, आप उसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। अब ऑटोमेटिकली ये देखें जी, वो टायर जो है वो लॉक हो गया है। यहाँ से आप लॉक लगाएं या ना लगाएं कुछ नहीं होता, क्योंकि अब आपका वहाँ लॉक हो चुका है। अगर आप ये लॉक भी लगाना चाहें तो लगा लें आप। और ये है मेरे पास की, नंबर मैंने कर लिया है नोट। अब वापसी पे जब हम वापस आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको अनलॉक करने के लिए हमें किस तरह जो है वो कॉइन डालना पड़ेगा या कार्ड लगाना पड़ेगा, और उसके बाद ये अनलॉक होगी और हम अनलॉक करके। तो बताने का पर्पज़ ये था कि बहुत सारी चीज़ों को जो है इन लोगों ने मिनिमाइज़ किया हुआ है, एफर्ट्स को मिनिमाइज़ कर दिया है, ह्यूमन नंबर्स को मिनिमाइज़ कर दिया है, और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो गई है। मैंने अक्सर देखा है, आपने भी देखा होगा हमारे पास अभी भी पार्किंग में जाएं, वो किसी से 50 ले रहे होते हैं, किसी से 20 जाने देते हैं, किसी को 10। तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एवरीवन इज़ इक्वल, चाहे जापानी है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे अमेरिकन है, सब ने पार्क करनी है, सब ने अपने कोइन डालने हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है, आपका रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है डेफिनेटली। तो आप मल्टीपल जो है वो वेज में प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें भी ये करना होगा। तो एंड व्लॉग हम करेंगे वापसी पे, जब हम देखेंगे कि हम इसको अनलॉक कैसे करते हैं, तो इंशाल्लाह देखते हैं बाद। तो हम वापस आ गए हैं, और आप देख सकते हैं मैं इसको ट्राई करता हूँ। ये देखें आप, ये जो है वो लॉक्ड है जिस तरह आपको बताया था। तो अब मैं नंबर नोट कर लेता हूँ, इसका जो है वो 36 नंबर है, और ये सामने जो है ये मशीन है जहाँ पे मैं इसको अनलॉक करूँगा। तो अब जो है यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन हैं। सबसे पहले तो आप देखें तो ये यहाँ पे जो है वो इंग्लिश और जापनीज़, तो इंग्लिश लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, तो ये इंग्लिश के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये है जी पेमेंट, तो इंग्लिश आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, और ये डेट्स टाइम एग्जैक्ट आपका सारा कुछ यहाँ मेंशन है, क्योंकि ये जो है ये आपको दिन के हिसाब से, अगर आपका एक दिन से बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये टाइम आपका नेक्स्ट में आपको शामिल कर देगा, नेक्स्ट भी पेमेंट आपको करनी होगी तो तभी ये टाइम वगैरह। तो मैं यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से जो है वो मेरे से नंबर पूछ रहा है, तो मेरा 36 नंबर था भाई, तो ताकि मैं गलती ना कर दूँ और किसी और के खाते में ना डाल दूँ। और ये जो है ये 36, और आप ये देखें डिसाइड करना है मैंने कि मेरा 36 ही है, अदरवाइज़ मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। अब मैंने कर लिया डिसाइड कि ठीक है जी 36 है। अब ये कह रहे हैं 100 येन। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ये स्वीका कार्ड है जो कि जापान में बहुत मशहूर कार्ड है, इस पर आप पार्किंग कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, मल्टीपल मल्टाई पर्पज़ ये कार्ड है, इसको भी लगा सकते हैं। ये जो है मेरे पास जापनीज 100 येन भी है मौजूद, जो कि मैं जा सकता हूँ। तो ये मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं जो भी मैं कार्ड लगाना चाहूँ ये लगाना चाहूँ, तो मैं फ़िलहाल जो है वो प्रेफर करूँगा अपने सिक्के को। तो इसको जो है वो सिक्का मैंने डाल दिया है। अब ये देखिए आप, तो डिमांड भी 100 थी, पेमेंट भी 100, और ये रिसीप्ट भी जो है, तो मैं वो कह रहे हैं कि आप जाएं और आपका जो है वो अनलॉक्ड है, और आप नीचे आएं तो रसीद जो है वो आप जा चुके। तो आप इसको दिखा भी सकते हैं, बाज़ बात ऐसा भी होता है कि हमें रसीदें चाहिए होती हैं। अब बड़ी अच्छी बात यह है कि हमें क्विकली जो है ना अपनी साइकिल को अनलॉक करना होता है, निकालना होता है, यहाँ से अनलॉक हो चुकी है। तो ये देखें आप, तो अब मैं ये देखें आप, वो देखें सामने, तो अनलॉक हो चुकी है। तो ये देखें अब मैंने साइकिल को वहाँ से निकाल लिया है लॉक में से, अब मैं इसको अपनी की लगा के जो है वो निकाल सकता हूँ। तो जो बताने का पर्पज़ था वो ये था कि स्टार्ट में भी मैंने बताया था कि आपने ऐसे प्रोसेस करने हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं कि मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, इदारे फाइनेंशली मजबूत हों। अब ये देखें जापान में, नवीद भाई ने भी एक चीज़ नोट की होगी कि ज़्यादातर जो है वो चीज़ें इंडिपेंडेंट इदारे चल रहे हैं, यानी किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती गवर्नमेंट से फंडिंग की। दिस इज़ द की टू सक्सेस, अगर हम भी चाहते हैं। अब हमारी सब चीज़ें ही सब्सिडाइज, अगर हमारे पास अगर ये होता तो ये करप्शन के अंदर हो चुका होता, या इसको हैवीली सब्सिडाइज किया जाता रहा होता गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे छोटे छोटे इदारे हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, वो इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बल्कि वो इन एडिशनल रेवेन्यू वापस करते हैं गवर्नमेंट को, यानी इसे हम कहते हैं प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट्स।
और करप्शन ख़त्म हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो जाती है, आपकी कन्वीनियंस है लोगों के लिए जो है वो आपके बढ़ जाती है, कन्वीनियंस है, तो ये सारे मल्टाई पर्पज अचीव हो रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी दुनिया में आप जहाँ पे जा रही है तो आपको भी जाना होगा। सो यहाँ पे जो है मेंबरशिप कार्ड मैंने सुना है मौजूद, हम तो क्योंकि कभी कभी आते हैं ना, जो ज़्यादा लोग आते हैं उनके पास कार्ड्स भी हैं यहाँ पे, वो यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और अब मैं ट्राई दुआ करता हूँ कि ये जो हमारी PRT पेशावर बनी है या हमारे जितने नए मनसूबे बन रहे हैं उसमें साइकिलिंग को, ऑल्दो वेदर इज बिट हॉट बट यहाँ भी गर्मी है, बाहर देखें तो गर्मी है काफ़ी, 35-36 आज यहाँ भी टेम्परेचर है जो हम एक आर्गू करते हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिलिंग का थोड़ा सा कम है, वो थोड़ा सा फोकस हमें करना चाहिए, बट आई होप कि पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह सून इन फ्यूचर हम ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो देखेंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।